हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर। मैं हूँ मोहम्मद और मैं सैयद। हूँ जफर इकबाल। और आज हम देखने जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड की वीडियो। तो उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। सोना एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम आपके लिए लाए हैं अनदर एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑफ रॉयल एनफील्ड। आज है हमारे पास रॉयल एनफील्ड की फ्लैगशिप मोटरसाइकिल द सुपर मीटियोर 650 एंड उसके सभी वेरिएंट्स हैं आज हमारे पास। तो आज हम इनका डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, सभी डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, प्राइजेस के बारे में बात करेंगे, एंड अगर आपको सुपर मीटियोर 650 परचेस करनी है तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड बिफोर स्टार्टिंग, एज ऑलवेज, स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प चित्तौड़गढ़, द रॉयल एनफील्ड डीलरशिप टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So this is the Royal Enfield Super Meteor 650। Start करता है हमारे इस वीडियो को। So Super Meteor 650 में मिलता है आपको तीन variants। First one is Astral जो कि है base variant, this is Interstellar जो कि है mid variant, and this is the range topping Celestial variant। अब हम start करते हैं color options से कि आपको कौन से color options मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं base variant की, this is the Astral variant। इसमें आपको मिलता है single tone colors, एंड इसमें आपको तीन कलर ऑप्शंस मिलते हैं। दिस इज एस्ट्रल ब्लैक, एक मिलता है एस्ट्रल ब्लू, एंड एक मिलता है एस्ट्रल ग्रीन। सो यहाँ पे आपको सिंगल टोन कलर्स मिलते हैं। कमिंग टू द इंटरस्टेलर जो कि है मिड वेरिएंट, इसमें आपको मिलते हैं डुअल टोन कलर ऑप्शंस, एंड इसमें आपको दो कलर्स मिलते हैं। दिस इज इंटरस्टेलर ग्रीन, एक मिलता है इंटरस्टेलर ग्रे। तो ये थी बात इसकी। नाउ कमिंग टू द रेंज टॉपिंग सेलेस्टियल, इसमें आपको मिलते हैं प्रीमियम डुअल टोन कलर्स। तो इसमें आपको दो कलर ऑप्शंस मिलते हैं, दिस इज सेलेस्टियल ब्लू, एक मिलता है सेलेस्टियल रेड। तो ये थी बात कलर्स की। सेवन डिफरेंट कलर्स मिलते हैं आपको टू चूज फ्रॉम, एंड आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको सुपर मीटियोर 650 में सबसे बेस्ट कलर एंड सबसे बेस्ट वेरिएंट कौन सा लगता है। सो अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेस वेरिएंट से, दिस इज द एस्ट्रल वेरिएंट। दिस विल कॉस्ट यू अप्रॉक्स 354,000 एक्स शोरूम। कमिंग टू द इंटरस्टेलर, दिस इज द मिड वेरिएंट, एंड दिस विल कॉस्ट यू अप्रॉक्स 369,000 एक्स शोरूम। कमिंग टू द रेंज टॉपिंग सेलेस्टियल, दिस विल कॉस्ट यू अप्रॉक्स 385,000 एक्स शोरूम। तो ये थी बात प्राइसिंग की। हर वेरिएंट में आपको लगभग 15,000 रुपए का डिफरेंस मिल रहा है, एंड अगर आप बेस से टॉप वेरिएंट पे आते हैं तो आपको लगभग 30,000 से 31,000 रुपए ज्यादा पे करने होंगे। सो ये प्राइसिंग की बात है। अब हम स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। तो बेस वेरिएंट का हम करेंगे वॉक अराउंड, एंड उसके बाद बात करेंगे डिफरेंसेस की जो आपको मिलते हैं सभी वेरिएंट्स में, सब में आपको क्यों पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं एस्ट्रल वेरिएंट के वॉक अराउंड से। सो कमिंग टू द फ्रंट, तो यहाँ पे आपको काफ़ी शानदार राउंड LED हेडलैम्प मिल जाती है, आरी का लोगो है, सिल्वर एंड ब्लैक फिनिश मिल जाती है, हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स हैं विद ब्लैक फिनिश, सस्पेंशन यहाँ पे आपको काफ़ी शानदार मिलता है, USD फॉक्स मिलता है शोभा के, तो इससे कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा, एंड ये जो एलिमेंट्स हैं ये काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट कर रहा है इस ब्लैक के साथ, एंड ये मेटल भी काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। कमिंग टू द फ्रंट मडगार्ड, तो सिंगल टोन में मडगार्ड है, एंड इसकी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है, सपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा है। सो ये एक बात है। कमिंग टू द व्हील, फ्रंट व्हील आपको एलॉय व्हील मिलता है, पीछे भी एलॉय व्हील है, एंड इसका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है क्योंकि यहाँ पे आपको ये स्टार पैटर्न मिलता है, उसके बाद ये अल्टरनेट डिजाइनिंग भी है। टायर सेक्शन की बात करें तो 100x19 का व्हील है, एंड 19 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं, इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। ब्रेकिंग सेटअप की अगर बात करें तो फ्रंट में डिस्क है 320mm की, पीछे आपको डिस्क मिल जाती है 300mm की, तो काफ़ी बड़ी डिस्क, काफ़ी मैसिव डिस्क मिलती है, एंड डुअल चैनल ABS है, बाइबर के कैलिपर्स हैं, तो ब्रेकिंग सिस्टम तो काफ़ी शानदार आपको मिलने वाला है। आपको इसका परफॉर्मेंस वीडियो देखना है तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स डायमेंशंस, तो इसमें आपको मिलता है 1500mm का व्हील बेस, 135mm का ग्राउंड क्लियरेंस, एंड 740mm की इसमें आपको सीट हाइट मिल जाती है। कर्व वेट की अगर बात करें तो 241kg का कर्व वेट मिलता है, बट आप सोच रहे होंगे काफ़ी भारी मोटरसाइकिल है, बट इसको चलाना काफ़ी आसान है, उस टाइम आपको इतना वेट फील नहीं होगा क्योंकि इसकी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, कंट्रोलिंग काफ़ी अच्छी है, और उसके पीछे रीज़न है इसका ये मजबूत चैसी। तो ये थी बात। नाउ कमिंग टू द इंजन, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है
650 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन, तो ट्विन सिलेंडर ये इंजन है, BS6 फेज 2 कंप्लायंट इंजन मिलता है। ये इंजन प्रोड्यूस करता है 47 पीएस पावर एंड 52 न्यूटन मीटर टॉर्क। सो ये थी बात इसकी, एंड इसकी भी फिट एंड फिनिश काफी रगेड दे रखी है। उसके अलावा डुअल टोन में ये इंजन है, यहाँ पे भी डुअल टोन मिल जाता है। यहाँ कुछ क्रोम फिनिश है, एंड एग्जॉस्ट आपको इसमें क्रोम फिनिश में मिलता है, एंड ट्विन एग्जॉस्ट सेटअप आपको मिलता है। इसके फुटपैक्स देखिए कितना आगे है, सो यहाँ पे इंजन है एंड यहाँ पे फुटपैक्स है, एंड किक स्टार्ट कुछ नहीं मिलता है। साइड पैनल पे सुपर मीटियोर 650 की बैजिंग मिल जाती है, एंड इस वेरिएंट में सभी चीजें सिंगल टोन है। फ्यूल टैंक भी सिंगल टोन में मिलता है, सो 15.7 लीटर का ये फ्यूल टैंक है। रॉयल एनफील्ड की बैजिंग कुछ इस तरह की मिलती है, एंड लगभग सभी वेरिएंट में आपको कुछ इसी तरह की बैजिंग मिलेगी। सो ये एक बात है, रॉयल एनफील्ड की बैजिंग यहाँ पे भी मिलती है, E20 बैजिंग ऊपर मिल जाती है, सिल्वर फिनिश में फ्यूलिड ओपनर है। नाउ कमिंग टू द फ्रंट, तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाता है, एंड ट्रिपल नेविगेशन भी मिल जाता है, तो दो कंसोल है, एंड वेव की इसमें मिल जाती है। इसको इंसर्ट कर लेते हैं वापस। सो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि सेमी डिजिटल है। यहाँ पे आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है, एंड ये स्क्रीन मिलती है, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको कोई टैकोमीटर नहीं मिलता है। सो वो एक बात है। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, टाइम है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, मल्टीपल ट्रिप्स इसमें मिल जाते हैं जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये एक बात है। यहाँ पे आपको सारे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, बचे कुछ ABS है, इग्निशन है, बैटरी है, ये सब चीजें हैं। ट्रिपल नेविगेशन एज ए स्टैंडर्ड मिलता है आपको तीनों वेरिएंट्स में, एंड ये ट्रिपल नेविगेशन है पावर्ड बाय गूगल, एंड इसको आप अपने फोन से कनेक्ट करके टर्न बाय टर्न नेविगेशन ले सकते हैं। सो ये एक बात है। कमिंग टू द हैंडल बार, तो ब्लैक्ड आउट फिनिश में हैंडल बार है, एंड काफी चौड़ा है यार, ये फ्रेम में भी नहीं आ रहा है। सो काफी चौड़ा हैंडल बार है, फिट एंड फिनिश स्विचेस की नेक्स्ट लेवल है। ये जो मेटल है ना, ये काफी शानदार लग रहा है देखने में। सो ये एक बात है, एंड यहाँ पे भी रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिल जाती है, ग्रिपिंग काफी अच्छी है, एंड लीवर्स यहाँ पे आपको एडजस्टेबल मिलता है, सो ये भी एक प्रीमियम चीज है। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में रियर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं। कमिंग टू द सीट, तो स्प्लिट सीट आपको इसमें मिलती है, एंड यहाँ पे राइडर को तो मुझे लगता है थोड़ा कंफर्ट मिल जाएगा, बट पिलियन के लिए बहुत कम जगह है। उसके अलावा बैकरेस्ट भी नहीं है, एंड ये है ग्रिप करने के लिए, तो बहुत संभल के बैठना होगा पिलियन को, एंड बैकरेस्ट लगा लेंगे तो बेस्ट रहेगा। वो एक बात है, यहाँ से भी ग्रिप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रियर सस्पेंशन मिल जाता है, ये भी काफी अच्छी फिनिश में लग रहा है। नाउ कमिंग टू द रियर व्हील, तो यहाँ पे आपको 150 mm ब्रॉड व्हील मिलता है। तो आप सोचिए कितनी अच्छी हैंडलिंग होगी, कितनी अच्छी ग्रिपिंग मिलेगी जब आप इसको हाईवे पे राइड करेंगे, परफेक्ट क्रूजिंग फील आएगा। सो वो एक बात है। मैसिव डिस्क मिलती है 300 mm की, उसके अलावा ट्यूबलेस टायर्स है, एंड पीछे के अलॉयज आप देखिए थोड़ी सी डिफरेंट डिजाइन में है आगे वाले से। सो वो एक बात है। पीछे से अपीयरेंस कुछ इस तरह का है, दिस इज द एस्ट्रल वेरिएंट, पीछे से ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें आपको LED टेल लैंप मिल जाएगी, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स है, यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड मिल जाएगा एज ए स्टैंडर्ड, एंड इसका ये साइड स्टैंड कितना छोटू सा है देखिए। सो ये भी काफी डिफरेंट लग रहा है। सो ये था ओवरऑल वॉक अराउंड एस्ट्रल वेरिएंट का। साइड से आप देखिए एस्ट्रल वेरिएंट कुछ इस तरह का दिखता है, इंटरस्टेलर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, एंड दिस इज द सेलेस्टियल वेरिएंट। तो ये थी बात इसके वॉक अराउंड की। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की जो मिलता है आपको हर वेरिएंट में। सबसे पहले बात करते हैं इंटरस्टेलर की। सो ये है मिड वेरिएंट, इसमें आपको डुअल टोन कलर्स मिलेंगे। यू कैन सी यहाँ पे आपको ग्रीन फिनिश मिल रही है, यहाँ पे ब्लैक फिनिश है, इसके मडगार्ड भी डुअल टोन में है विथ ये गोल्डन स्ट्रिप। तो आपको जो 15,000 रुपये ज़्यादा पे करने हैं वो सिर्फ कलर्स के हैं। सो कलर ऑप्शन अगर आपको डिफरेंट चाहिए, मतलब डुअल टोन कलर्स चाहिए, थोड़ा प्रीमियम फील चाहिए, तो आप इंटरस्टेलर ले सकते हैं ओवर द एस्ट्रल। बाकी और कोई मैकेनिकल चेंजेस नहीं है, कोई कॉस्मेटिक चेंजेस भी ज़्यादा नहीं है, सभी चीज़ें सिमिलर है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट प्रीमियम फुली लोडेड सेलेस्टियल वेरिएंट। फुली लोडेड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको विंड स्क्रीन एज ए स्टैंडर्ड मिलती है, अभी हालांकि इस मोटरसाइकिल में नहीं लगी हुई है, एंड टूरिंग सीट एज ए स्टैंडर्ड मिलती है, बैक रेस्ट एज ए स्टैंडर्ड मिलता है। तो प्रीमियम चीज़ें मिल रही हैं, प्लस प्रीमियम कलर, आप देखिए ये जो कलर है कितना प्रीमियम लग रहा है। सो इसकी वजह से इसमें आपको एडिशनल 30,000 पे करने होंगे एज कम्पेयर टू द बेस वेरिएंट, एंड अगर इंटरस्टेलर से कंपेयर करें तो 15,000 रुपये ज़्यादा देने होंगे। प्लस यहाँ पे सुपर मीटियोर 650 की बैजिंग भी कुछ इस तरह की है, साइड पैनल डुअल टोन में है, ये सब चीज़ें डुअल टोन में है, इसका मडगार्ड सिंगल टोन में है, इंटरस्टेलर का डुअल टोन में है, सुपर मीटियोर की बैजिंग इस तरह की है इसमें,
इसमें कुछ डिफरेंट है। सो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत कुल मिला के डिफरेंट है हर वेरिएंट में। मैकेनिकल कोई चेंजेस नहीं है, सभी वेरिएंट सिमिलर है मैकेनिकली, आप देख सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं यार आपको सबसे बेस्ट कौन सा वेरिएंट लगा सुपर मीटियोर 650 का। तो ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650। होपफुली अब आपको सभी चीज़ें पता चल गई होंगी, सभी डिटेल्स पता चल गई होंगी। एंड अगर आपको अब सुपर मीटियोर 650 लेनी है तो आपको बहुत आसानी होगी कौन सा वेरिएंट लें। कलर्स हालांकि आप देख सकते हैं शोरूम पे जाके, बट सभी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। सो ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 ऑल वेरिएंट्स। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू। बिल्कुल यार एक कमाल की चीज खड़ी हुई है सुपर वाली जो चीजें है ना भाई, एक रॉयल एनफील्ड की ना जब भी एक बाइक देखते हैं ना यार एक अलग ही फीलिंग आती है। लेकिन ये तो एक पूरी बला खड़ी हुई है, जब एक देखने में इतनी यार एक एक खूबसूरत भी लग रही है और एक हर एक बंदे का यही ड्रीम होता है ये वाली बाइक हो और एक राइड मिली हो ना यार मज़ा आ जाए। क्योंकि पैसे तो यार फिर लगने ही होते हैं लेकिन चीज़ भी तो एक अच्छी मिल जाएगी ना। लेकिन भाई ने जो एक रिव्यू दिया ना उसमें जो लास्ट वाला था ना जिसमें एक सारे फ्यूचर थे, बैक सीट भी लगी हुई थी या उसके कलर पर आ जाए, कलर शेड बहुत प्यारे थे, कमाल था यार वो ब्लू वाला। हाँ ब्लू वाला। नहीं देखो ना रॉयल एनफील्ड की अगर बात करें ना तो ये सिंगल बंदे के लिए ही सही है। ठीक है डबल है, उन्होंने एक ठीक है स्पेस जरूर बना दिया पीछे, वो एक उन्होंने मतलब रोकने के लिए टेक जिसको बोलते हैं वो भी लगी हुई है जो कि एक हाई स्पोर्ट है। हाँ स्पोर्ट। लेकिन जो एक सबसे ज़्यादा मज़ेदार काम है ना वो सिंगल बंदे के लिए ही है कि सिंगल बंदा बैठा हो चला रहा हो वो ज्यादा। लेकिन ये कि भाई कमाल की मशीन बनाई है। नहीं बाकी यार एक रॉयल इनफील्ड का एक नाम है भाई, आप ब्रांड समझ लें क्योंकि इसको भाई एक एक फॉरेन में भी लोग देख लेते हैं ना तो वो भी एकदम से ना एक जागते हैं कि यार क्या चीज बना दी है, वो भी एक मेड इन इंडिया। क्योंकि हमने वो एक भाई का व्लॉग हम देखते हैं जापान में जो रहता है तो वो ज्यादातर ना एक नोट करता है लोगों का रिएक्शन जब लोग देखते हैं ना रॉयल इनफील्ड को तो वो एक इंटरेस्टिंग होता है। आप देखो ना एक मतलब के कब से ये कंपनी है, मतलब के बहुत ओल्ड है लेकिन अभी के फील्ड में भी यार पहले होता था एक यामा, एक उसका नाम होता था, इधर होता था यामा का नाम क्योंकि एक थोड़ा सा ओल्ड थी कंपनी और उसके बोला जाता था कि यार इंजन वगैरह और मशीनरी काफ़ी ना एक स्ट्रांग है, मतलब के लॉन्ग टाइम तक जाती है, हर चीज़ उसकी परफेक्ट होती है। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया में रॉयल इनफील्ड है भाई इस आगे इस फील्ड में बाइक को लेकर कह रहे हैं बात जो एक एक सख्त किस्म का मोटरसाइकिल, सख्त का एक स्टाइलिश एक हर चीज इसमें आ जाती है। एक जो बाइक लवर होता है ना वो इस चीज को पहचान सकता है क्योंकि एक नॉर्मल बंदा यही समझता है कि यार बहुत अच्छी एक बाइक है, ठीक है ठाक है। लेकिन जिनको पता होता है ना बाइक्स का, जैसे भाई एक रिव्यू दे रहा है उसको सारी चीजों का पता है तो ये इस फील्ड में जरूर आ जाती है। लेकिन भाई रॉयल एनफील्ड बहुत अच्छी एक बाइक है, कंपनी भी अच्छी है और चीज भी एक यार अच्छी लोगों को बनाकर दे दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।